हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, यानी आयु पर आधारित प्रश्न। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से और इन्हें सॉल्व करने का क्या शॉर्टकट ट्रिक होता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे आज हम इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर से कुल चार तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला तरीके का प्रश्न होता है आयु के अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक है, और दूसरा होता है आयु के योग पर आधारित प्रश्न, तीसरा होता है आयु के अनुपात पर आधारित प्रश्न और चौथा होता है आयु के गुणा पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ कुल इस चैप्टर से चार तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। बारी बारी से करके हम इस चारों टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि चार पार्ट में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, और इस पूरे चैप्टर को हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा ये पहला वीडियो है। तो इस पहले वीडियो में हम पहला पार्ट देखेंगे आयु के अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इससे हम कुल आज पांच क्वेश्चन देखेंगे। इस पूरे पांच क्वेश्चन को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 8:3 हो जाता है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, पहले आप वो जान लें, ठीक है। मान लिया जाए कि किसी का भी वर्तमान आयु 10 वर्ष है, ठीक है, ये 10 वर्ष है किसी का भी वर्तमान आयु, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि 5 वर्ष पूर्व इसका आयु कितना होगा। 5 वर्ष पूर्व यानी कि इसमें से हम 5 माइनस कर लेंगे तो 5 होगा, यानी कि 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितना होगा, 5 वर्ष, ठीक है। और यहीं पर अगर कहा जाए कि वर्तमान आयु तो 10 वर्ष है, 5 वर्ष बाद इसका आयु कितना होगा, तो प्लस हम 5 करेंगे तो 15 वर्ष क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद की आयु, ठीक है। और आपसे अगर कहा जाए कि 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु 5 साल है, ठीक है, मान लिया जाए किसी का भाई आयु 5 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है 5 साल, ठीक है, और कहा जाए कि 5 वर्ष बाद इसका आयु कितना होगा, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये 5 वर्ष पूर्व का आयु दिया हुआ है, इसमें अगर हम 5 वर्ष जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 वर्ष, ये वर्तमान आयु होगा, ठीक है, और वर्तमान आयु में हम फिर 5 वर्ष जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15, 5 वर्ष बाद का आयु, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें था जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें, हमें इन दोनों का वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है, ठीक है, पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है यानी इन दोनों का डिफरेंस है, तो पिता माइनस पुत्र बराबर क्या हो जाएगा, 25 वर्ष, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है 25 वर्ष, इसलिए यहाँ हमने माइनस का साइन लगाया। इन दोनों का अगर योग होता तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 8:3 हो जाता है, ठीक है, 5 वर्ष बाद होता है तो यहाँ पर हम प्लस 5 लगा लेंगे क्योंकि 5 वर्ष बाद हो रहा है, ठीक है। और देखिए क्या है, इन दोनों का अनुपात 8:3 हो जाता है, तो पिता का अनुपात हो जाता है 8 और पुत्र का हो जाता है 3, ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना होगा, 8 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, 5, ठीक है, यहाँ जो 5 आया है इस 25 में हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इस 25 में हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 5, ठीक है, और इस 5 को अगर हम इस रेशियो से गुना कर दें तो इन दोनों का उम्र निकल जाएगा आपको 5 वर्ष बाद का, ठीक है, ये रेशियो 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है, इससे अगर हम गुना करेंगे तो आयु इन दोनों का जो निकलेगा वो 5 वर्ष बाद का निकलेगा, ठीक है। तो इस 5 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो वो 40 हो जाएगा, ठीक है, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या था, 5 वर्ष बाद का रेशियो था, तो यहाँ जो आयु निकला है ये भी 5 वर्ष बाद का है, हमें निकालना था वर्तमान, तो हम 5 माइनस कर देंगे, इसमें भी 5 माइनस कर देंगे, इसमें भी 5 माइनस कर देंगे, तो 40 में से 5 घटेगा तो 35 वर्ष होगा और 15 में से 5 घटेगा तो 10 वर्ष होगा। तो यहाँ पिता की आयु हो गई वर्तमान आयु 35 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु हो गई 10 वर्ष, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें यहाँ हमने लिखी, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा था, दो चार बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को तो ये सब आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट इन दोनों रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 5,
ठीक है। और इस 25 में से आप 5 को से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5। और इस 5 को 8 से गुना करेंगे तो 40 होगा, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा, ठीक है। तो ये रेशियो 5 वर्ष बाद का है, यानी कि जो आयु निकला है ये 5 वर्ष बाद का है। हमें वर्तमान निकालना है, दोनों में से 5-5 वर्ष आप घटा लेंगे तो 35 और 10, ठीक है। तो यहाँ 35 और 10 हमारा निकल जाएगा आंसर। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्स वाई से 12 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 7:5 हो जाता है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें क्या निकालना है, वर्तमान आयु, ठीक है। इन दोनों का वर्तमान आयु हमें निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई से 12 वर्ष बड़ा है, ठीक है। एक्स बड़ा है वाई से, यानी एक्स को पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद वाई। इन दोनों का डिफरेंस है 12 वर्ष, ठीक है। तो दोनों के बीच में हम माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। 12 वर्ष यहाँ पर हो गया। और क्वेश्चन में क्या है कि 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 7:5 हो जाता है, ठीक है। 10 वर्ष बाद, इसलिए यहां पर हम प्लस 10 लगा देंगे, ठीक है। और यहां पर रेशियो 7:5 हो जाता है, ठीक है। 10 वर्ष बाद होता है, इसलिए हमने यहां पर प्लस 10 लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों रेशियो का क्या डिफरेंस है, 7 और 5 का डिफरेंस कितने का है, 2 का है, ठीक है। 2 का डिफरेंस है, इस 2 को हम 12 में से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 12 में से 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, 6 आया। अब इस 6 को हम 7 से गुना करेंगे तो x का आयु निकल जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो y का आयु निकल जाएगा, लेकिन ये दोनों जो आयु निकलेगा वो 10 वर्ष बाद का होगा, ठीक है। हमें निकालना था वर्तमान, तो हम दोनों में से 10-10 घटा लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप 6 को 7 से गुना करेंगे तो 42 होगा, 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30 होगा, ठीक है। तो ये 42 और 30 एक्स वाई का एज निकला है 10 वर्ष बाद का, ठीक है। हमें चाहिए वर्तमान, तो हम माइनस 10 कर लेंगे और इसमें से भी माइनस 10 कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 32 एक्स का, वाई का हो जाएगा 20। ये दोनों हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से दिगुनी थी, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, ठीक है। ए और बी की आयु का डिफरेंस कितना है, 16 वर्ष। तो ए माइनस बी हम लिखेंगे बराबर 16, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, 6 वर्ष पहले यानी -6 हम लगा लेंगे, ठीक है। ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, ठीक है। तो ए का जो आयु होगा वो बी का तिगुना होगा, तो बी को अगर हम 1 रखेंगे तो बी का तिगुना कितना है, ए, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, 3। तो इन दोनों का रेशियो क्या हुआ, 3:1, ये रेशियो है 6 वर्ष पहले का, ठीक है। तो 3 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, 2, ठीक है। इस 16 में हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। इस 8 को हम 3 से गुना करेंगे तो 24 वर्ष होगा, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 वर्ष होगा। तो यहाँ पर 24 और 8, ए का आयु निकला है 24 वर्ष, बी का आयु निकला है 8 वर्ष। ये आयु क्या है, ये 6 वर्ष पूर्व का है, ठीक है, 6 वर्ष पहले का। हमें वर्तमान यहाँ निकालना है, तो वर्तमान निकालने के लिए हम +6 कर देंगे, यहाँ भी +6 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 30 वर्ष, ये हो जाएगा 14 वर्ष, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था, तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, 7 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, ठीक है। तो 7 वर्ष बाद का मतलब है कि वर्तमान से 7 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर, यानी इन दोनों का डिफरेंस यहाँ 14 वर्ष है। तो अरुण के लिए हम ए लिखेंगे और दीपक के लिए हम डी लिखेंगे, यानी अरुण माइनस दीपक बराबर कितना वर्ष दिया हुआ है, 14 वर्ष है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है, 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, 7 वर्ष पूर्व। तो यहां पर हम -7 पहले लिख लेंगे, ठीक है। अनुपात क्या था, 5:7 था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे, इन दोनों रेशियो का। तो 7 में से 5 जाएगा 2, यानी इन दोनों का डिफरेंस 2 है। तो इस 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7, ठीक है।
इस 7 को हम 5 से गुना करेंगे तो यहाँ 35 होगा, फिर इस 7 को हम 7 से गुना करेंगे तो यहाँ 49 होगा, ठीक है। तो ये 35 और 49 ये दोनों का जो आयु निकला है ये कब का है, 7 वर्ष पूर्व का है, ठीक है। हमें निकालना है 7 वर्ष बाद का, ठीक है। तो ये 35 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो निकलेगा आपको वर्तमान आयु, ठीक है। और 7 वर्ष और हम अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 वर्ष बाद की आयु, ठीक है। या तो आप इसमें डायरेक्ट 14 वर्ष जोड़ लें, ठीक है, या तो फिर आप पहले 7 वर्ष जोड़ें तो यहाँ पर होगा 42 और यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो ये होगा 56। तो ये जो 42-56 आया है ये वर्तमान आयु हो गया, ठीक है। हमें निकालना था 7 वर्ष बाद का, तो इसमें 7 वर्ष और 7 वर्ष और जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 49 वर्ष और इसका हो जाएगा 63 वर्ष, ठीक है। अब हो जाएगा ये दोनों इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अजय तथा विजय की वर्तमान आयु में 24 वर्ष का अंतर है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था, तो 5 वर्ष पूर्व की इनकी आयु ज्ञात करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, 5 वर्ष पूर्व की इनकी आयु ज्ञात करें। 5 वर्ष पूर्व की निकालना है, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी थी ये हमें निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है अजय तथा विजय की वर्तमान आयु में 24 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो अजय के लिए हम ए लिखेंगे, विजय के लिए हम वी लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों का अंतर है 24, तो इन दोनों के बीच में हम माइनस का साइन लगा देंगे, ये हो गया 24, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन में, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:3 था, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व था तो माइनस में यहाँ हम पहले 10 लिख लेंगे, 5:3 था तो यहाँ 5:3 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों रेशियो का 2, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, ठीक है। 24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। अब हम इस 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60 होगा, इस 12 को 3 से गुना करेंगे तो 36 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 60 और यहाँ पर ये जो 36, ये दोनों निकला है ये कब का आयु है, ये 10 वर्ष पूर्व का आयु, ठीक है। हमें क्या निकालना था, 5 वर्ष पूर्व का आयु, ठीक है। तो अगर इन दोनों में हम 10-10 जोड़ देते थे तो वर्तमान आयु निकल जाता था, ठीक है। तो वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व का हमें निकालना है, तो इन दोनों में सिर्फ हम 5 और 5 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ +5 हम करेंगे, यहाँ भी +5 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 65 वर्ष, इसका हो जाएगा 41 वर्ष, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन दोनों के 5 वर्ष पूर्व का आयु, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रोज नए वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।